नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज ईद जश्न मिलाद का दिन है। ईद मिलाद नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का दिन है। मिलाद हिंदी में आपको बताऊं तो जन्म दिवस। उसका जलसा पूरे देश में नहीं, दुनिया में इस समय मनाया जा रहा है और कहीं न कहीं लोगों में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं वसई की कोलीवाड़ा मस्जिद, गौसिया मस्जिद के यहाँ, और यहाँ से एक जुलूस, काफ़ी बेहतरीन शाकलत में एक जुलूस यहाँ से निकला, जो वसई के अलग 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 हिस्सों में होकर, पारनाका, मूसा जी गली, इस तरह अलग अलग हिस्सों में होकर वापस यहाँ पर आकर खत्म हुआ। अभी हमने यहाँ के ट्रस्टियों से बात की, यहाँ के इस मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना साहब, उनसे बात की। उन्होंने कुछ क्या कहा वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। और सब चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन इस समय जो दो साल के बाद कोरोना का माहौल था और कोरोना के हिसाब से दो साल जब त्यौहार मनाए नहीं जा पा रहे थे, उसके बाद ये इस साल कहीं ना कहीं लोगों में खुशी दोहरी है कि दो साल बाद फिर से वो अपना त्यौहार मना पा रहे हैं। और मिलादुन नबी का यह जश्न जो है काफ़ी खुशगवार माहौल में आज यहाँ पूरा हुआ। तो देखिए इस पूरे कार्यक्रम की प्रक्रिया के लिए इतना ही। नमस्कार। हजरत, क्या कहना चाहेंगे आज के जुलूस के बारे में? क्या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये कोलीवाड़ा का सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तारीखी जुलूस, जो तकरीबन 10-12 सालों से बड़े तस्को एहतिसाब के साथ निकल रहा है। पिछले दो साल कोरोना की वजह से ये जुलूस न निकल सका, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से ये जुलूस निकला। मेरा तो ये पहला साल था, लेकिन मैंने ये देखा कि जिन जिन शाहराहों से गुजरा, हमारे साथ हमारे बिरादरान वतन भी जुलूस के अंदर शरीक रहे। शासन प्रशासन ने भी हमारा अच्छा तआवुन किया, और जिन जिन मुतय्यना रास्तों से हमारा ये जुलूस गुजरता रहा, लोग इस्तकबाल भी करते रहे और जुलूस को बहुत सारे नौजवान हमारे हैंडल करते रहे, ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार मामला यहाँ पर ना हो जाए। बहरहाल, हम दिल की गहराइयों से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन जिन लोगों ने हमारा तआवुन किया, और ख़ास तौर से इस जुलूस को जो लोग भी जुलूस का एहतमाम करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से हमारी कमेटी के लोग, महल्ले के नौजवान और दूसरे तमाम लोग, मैं गौसिया जामे मस्जिद कमेटी की तरफ से और हमारे जितने साथी हैं, जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से हमारे जुलूस का तआवुन किया है, हम सबका अपनी कमेटी की जानिब से शुक्रिया भी अदा करते हैं, और ख़ासतौर से पुलिस वालों का, शासन प्रशासन का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से सबको जजाए खैर अता फरमाए, और जिन जिन लोगों ने साथ दिया अपने खजाने की, सबको बेहतरीन दौलत नसीब फरमाए।
कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज के मुबारक दिन में उन्होंने अपनी मुसलमान होने का सबूत दिया है, जिस अंदाज में कि माशाल्लाह इस्लामी लिबास में नजर आए, इस्लामी तरीके से नजर आए, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा और नौजवानों से मैं खास तौर से मुखातिब हूँ कि पूरा साल इस पर अमल करने की कोशिश करें, खास तौर से नमाजों की पाबंदी करें। और आज जिस तरीके से हमारे नौजवान बहुत सारे हैं जो नशे की लत में पड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो नशे से दूर रहें और कोई ऐसी हरकत न करें जिससे इस्लाम के ऊपर कोई आँच आए। इसलिए हमारे और आपके पैगंबर इस दुनिया में अमन व अमान और बारिश बरसाते हुए दुनिया में तशरीफ लाए, आपने पूरी दुनिया को अमन अमान का पैगाम दिया। मैं मुसलमानों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आज के मुबारक दिन को मद्देनजर रखते हुए ऐसा काम करें ताकि दुनिया देख कर ये कहे कि वाकई इस्लाम कितना अच्छा मसाब है। दो साल के बाद ये कोरोना महाकाल के बाद ये जो जुलूस निकला है, जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कि एक अमन का पैगाम देता है, और यहाँ के लोग जो कोलीवाड़ा के बाशिंदा है, यहाँ लोगों ने बहुत अच्छा ही ताउन किया हमारा, बहुत ही खुलूसुल्लाहियत के साथ ये जुलूस निकला। और हमारी कमेटी के लोग गौसिया जामा मस्जिद ट्रस्ट, दारुल रिजविया ट्रस्ट, गौसिया सोशल कमेटी ट्रस्ट, इनका सबका इसमें साथ रहा और बहुत ही अमन और पुरखलोस तरीके से ये गौसिया जामा मस्जिद से होते हुए झंडा बाजार, भंडारवाड़ी, मुसाजी गली, पारनाका, गोलवाड़ा, हाथी मोल्ला, ट्यूबलाइट फैक्ट्री से लेकर यहाँ गौसिया कमेटी पे और गौसिया मस्जिद के सामने इत्माम हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो पैगाम देता है हमारे हुजूर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमन का पैगाम देते हैं। उनकी पैदाइश, उनकी विलादत, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ी खुशी है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पुलिस का भी और आप सभी लोगों का, सभी वसई वालों का, जो उन्होंने इतनी अमन और शांति के साथ इस जुलूस को दर तक लेकर गए और इतना अच्छा पैगाम दिया है शांति का, भाईचारे का। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसे नारे नहीं लगे, जो भी नारे लगे अल्लाह और उसके रसूल के नारे लगे और एकता के नारे लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।